दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला आज खेला जाएगा। पहले टेस्ट मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने भारत की फाइनल प्लेइंग 11 भी घोषित कर दी। तो दोस्तों क्या है पहले टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11। वहीं दोस्तों ये आज टेस्ट मुकाबला कब का और कितने बजे खेला जाएगा बताएंगे इस वीडियो में पूरी खबर की जानकारी, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम पहला टेस्ट मुकाबला जीते तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय टीम एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से मैदान पर उतरने के लिए तैयार हो गई है। जी हां दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जाएगा, जो दोस्तों भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। वहीं दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारत की खतरनाक और खोखार प्लेइंग 11 भी घोषित कर दी। चलिए जानते हैं, पहले बात करते हैं भारत की ओपनिंग जोड़ी की। तो दोस्तों यहां पर कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज करते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बताते हैं दोनों ही बल्लेबाज टेस्ट में भी तेजी से रन बनाने के लिए माहिर, और जब एक बार क्रीज पर जम जाते हैं तो एक लंबा स्कोर बनाते हैं। दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो यहां पर शुभमन गिल खेलेंगे। दोस्तों शुभमन गिल भी शानदार बल्लेबाजी करते हैं और मध्य क्रम में भारतीय रीढ़ गड्डी माने जाते हैं। जबकि दोस्तों चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ पर किंग विराट कोहली खेलेंगे। दोस्तों किंग विराट कोहली बहुत ही खतरनाक टेस्ट में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जबकि दोस्तों पांचवें नंबर की बात करें तो यहां पर केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। जी हां दोस्तों केएल राहुल की काफी महीनों के बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। अब देखने वाली ये बात होगी केएल राहुल किस तरह का प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले। वैसे दोस्तों यहां पर सरफराज खान खेलते तो उनको ये मैच में बैठना पड़ेगा। छठे नंबर की बात करें तो यहां पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। जी हां दोस्तों ऋषभ पंत लगभग 1.5 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी करते हुए नजर आने वाले हैं। जबकि दोस्तों सातवें नंबर की बात करें तो यहां पर ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन खेलेंगे, और वहीं आठवें नंबर की बात करें तो रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों नौवें नंबर की बात करें तो स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे। दसवें नंबर पर बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे, और दोस्तों ग्यारहवें नंबर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलेंगे। तो दोस्तों ये थी पहले टेस्ट मुकाबले के लिए भारत की खतरनाक और खोखार प्लेइंग 11। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है ये प्लेइंग 11 कैसी है, और आपकी नजर में इस प्लेइंग 11 में किसे मौका मिलना चाहिए, तो आप लोग इसका जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दोस्तों ये पहला टेस्ट मुकाबला कौन जीतेगा, भारत या फिर बांग्लादेश, आप लोग इसका जवाब भी दें। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, और दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।